नमस्कार मित्रों, मैं राजीव मिश्रा और आप देख रहे हैं स्वैच्छिक दुनिया न्यूज चैनल। आइए बात करते हैं इस वक्त की कुछ बड़ी खबरें। दिल्ली में महिला सब इंस्पेक्टर के सामने उसके पति को मारी गई गोली। दिल्ली के भजनपुरा इलाके में दिल्ली पुलिस की महिला सब इंस्पेक्टर और उसके पति पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी। महिला सब इंस्पेक्टर के पति को हाथ में गोली लगी है, जिसको अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वही महिला सब इंस्पेक्टर बिल्कुल ठीक है। वही पुलिस अब सीसीटीवी की मदद से आरोपियों की तलाश कर रही है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक महिला सब इंस्पेक्टर अपने 30 साल के पति गौरव शर्मा के साथ भजनपुरा इलाके में रहते हैं। उनकी पत्नी किरण शर्मा दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर हैं। गौरव का यमुना विहार में रेस्टोरेंट है। गौरव ने पुलिस को बताया कि वह बुधवार शाम करीब 5 बजे अपनी पत्नी का चेकअप कराने के बाद घर लौट रहे थे। तभी 5वें पुश्ते के पास एक बदमाश आया और ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। कार में पुलिस का स्टिकर लगा था और डैशबोर्ड पर दिल्ली पुलिस की कैप रखी हुई थी। एसआई पत्नी कार में पति के साथ फ्रंट सीट पर बैठी थी। गौरव के हाथ में 2 गोली लगी है। दिल्ली से स्वैच्छिक दुनिया की ब्यूरो रिपोर्ट। बड़े भाई बताओ क्या हुआ था आखिरकार, ये क्या हुआ था, थोड़ा एक बार जानकारी हल्की सी अगर मिल जाए, काफी देर से हमें थे। भाई साहब मैं 5वें पुश्ते से आ रहा था जी, सामने एक व्यक्ति आया जिसने मेरे को गाड़ी में सामने ही गोली मारी, 2 गोली मेरे लग गई है और मैं उस व्यक्ति को नहीं जानता कौन था वो व्यक्ति। अच्छा, I-20 आपकी कार है, 0007 है, उसमें पुलिस का स्टिकर लगा हुआ है और वो और एक कैप लगी हुई है इंस्पेक्टर की, क्या पुलिस की गाड़ी? आप पुलिस से? मेरी वाइफ पुलिस में है तो मैं उसको लेके आ रहा था, उसका मेडिकल था कुछ तो इशू तो मैं उसे लेके आ रहा था। तो हम आ रहे थे, 5वें पुश्ते से उतरे थे जी, के ब्लॉक में मैं रहता हूँ, घर के ले जा रहा था, उतरते ही मेरे को सीधा टारगेट किया, जो भी है मेरे को नहीं पता, उन्होंने गोली मारी। अच्छा धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.